नमस्कार सभी किसान भाइयों को, सुप्रभात। किसान भाइयों, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 11वीं किस्ती जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे वो गवर्नमेंट द्वारा सक्सेसफुली फंड कर दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आप FMF देख लीजिए, स्कीम फॉर्ट। ये मैंने जब सुबह देखा तो मैंने कहा कि अभी ही वीडियो बनाता हूँ, इस टॉपिक पे सभी को जानकारी देना चाहिए। अभी समय हो रहा है सुबह का 3:41। आपको अब देखिए 11th जो किस्त है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। PM किसान सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद में हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेनिफिशरी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप ये ना सोचें कि भाई हमें तो ये जानते हैं तो वीडियो छोड़ के ना जाएं, वीडियो को देख लें। यहाँ पे आपको सिर्फ आधार नंबर से स्टेटस को चेक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल के स्टेटस को चेक कर लेते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पे हमने आधार नंबर है उसे डाल दिया है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमें यहाँ पे जो किस्त आई है वो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे 11th इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो करा रहा है, सिर्फ यहाँ पे 10th इंस्टॉलमेंट तक का ही दिखा रहा है। ये हो सकता है कि दिन के 12 बजे या फिर 24 घंटे के अंदर ऐसे भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी यानी कि रात को 31 तारीख जैसे हुई थी पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। अब कितने किसान भाइयों का पैसा अकाउंट में क्रेडिट हुआ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जिन लोगों का यानी कि बैंक अकाउंट में जैसे मोबाइल नंबर नहीं लगा है, जिन्हें पता नहीं पड़ पा रहा है कि हमारा पैसा आया या फिर नहीं आया, तो उन्हें यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है PFMS। सर्च करने के बाद में फर्स्ट नंबर पे जो PFMS वेबसाइट मिलेगी इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा जिसमें आपको नाउ योर पेमेंट इस पर क्लिक कर देना है। जस्ट इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमें यहाँ पे अपनी बैंक का नेम डाल देना है, नीचे अकाउंट नंबर, फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर, ये कैप्चा है, इसे नीचे हम यानी कि वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम सेंड OTP और रजिस्टर मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लगा है उस पर एक OTP जाएगा। जिनका यानी कि बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं लगा है वो यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं, वो अपने नज़दीकी CFC केंद्र पर जा कर के बायोमेट्रिक लगा के पैसा चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम सभी की समस्या के सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं।